हेलो से 10th पार्ट ऑफ लेक्चर 20 एंड इसमें हम लोग ट्रक का शॉकर एंड एक डिटेल बनाने वाले. ओके सो लेट्स सी. ओके ऑलमोस्ट सारी चीजें बन चुकी है. ठीक है, अब जो चीजें बाकी है उन चीजों पे हम लोग वर्क करेंगे. ठीक है, ये पोर्शन अभी जो चीजें बाकी है वो कुछ माइनर डिटेल्स हैं. ठीक है, जिनकी वजह से ये एक कंप्लीट पैकेज होगा. तो अभी हम लोग मॉडल पे आते हैं. ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ. ये रहा हमारा मॉडल. ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीजें बनी हुई है. यहाँ की चीजें बनाना है और यहाँ पे एंड शॉकर का पार्ट. ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे हाइड करूंगा. इस लेयर में रेफरेंस है, व्हील को हाइड किया, सस्पेंशन भी हाइड किया एंड अपर बेस भी हाइड किया. ओके एंड बैक पोर्शन को भी फिलहाल के लिए. ओके एंड इस पे ये है, तो इसी लेयर पे अब हम लोग अगला ऑब्जेक्ट ऐड करने वाले हैं. तब तक के लिए बाकी को रेफरेंस में करेंगे. ठीक है, एंड लेयर में डिलीट अनयूज लेयर. ठीक है, तो जो भी अननेसेसरी होगा वो चला जाएगा. सेलेक्ट, कन्वर्ट सिलेक्शन को बाहर करते हैं, मेश टूल और ये. ठीक है, अभी इसको जरा सारे व्यू पे आते हैं एक बार. ठीक है, और अभी का सीन क्या है कि सपोज अगर जैसे ये इमेज है. ठीक है, तो अभी मुझे ये चीज चाहिए यहाँ पे जो लगा है. मैं इस एंगल पे ग्रिड ऑफ कर रहा हूँ जस्ट देखने के लिए. ठीक है, ओके अभी ये है ना, तो इस जगह पे कुछ चीजें ऐड करनी है जैसा कि इधर रेफरेंस में दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक सिलेंडर ले लेते हैं. ठीक है, ओके मैं यहाँ पे रखकर बना रहा हूँ, वापस फिर बनने के बाद उधर पे प्लेस कर दूंगा. ठीक है, ये सब लेयर से बाहर है, जिसे लेयर के अंदर डाल देते हैं. न्यू लेयर. अरे भाई, ओके तो अभी ये है. सब डिवीजन को 20 रखते हैं, हाइट सेगमेंट बढ़ा देते हैं. अभी टॉप एंगल से वर्टेक्स सेलेक्ट किया टू फेस डिलीट. ठीक है, फेस और एक दो अल्टरनेट फेसेस में सेलेक्ट कर रहा हूं. ठीक है, ऐसा.
डिलीट, ठीक है, फेस ओवरऑल सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, और से मैनेज करना है, यहाँ पे मैनेज कराना अगर डिफिकल्ट पड़ रहा है तो वर्टेक्स मोड में आइए और हर एक वर्टेक्स को बस स्केल कर दीजिए, बहुत सिंपल है। जब आप 3 प्रेस करेंगे तो आपको कुछ ऐसा शेप मिलेगा, ठीक है, फिलहाल के लिए 1, एंड जो ये है इसमें एक, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, एक सेकेंड, ओके, वर्टेक्स, ओके, अभी ये होने के बाद ये आपका वो ग्रिल हो गया, ठीक है, जो ये है, ठीक है। अभी इसके ऊपर आप एक सिलेंडर और लो, कहाँ गया भाई, ओ ये रहा, ये लगता है काफी दूर आया है, या तो ये दूर, हाँ यहाँ पे है, उसके लेवल पे रखा ये, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसा, और इसका टॉप पार्ट से फिर एक्सट्रूड होगा, इन दोनों के बीच में एक्चुअली गैप है, ठीक है, एज इस पे और इंसर्ट एज ये दिया, एक्सट्रूड, डिलीट, ठीक है, जब 3 करोगे तो ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सेम नीचे भी करना है, इंसर्ट एज,
microphase exude extrude, ठीक है ओके। अभी ये होने के बाद मैं थोड़ा सा रेफरेंस की तरफ जाऊंगा। ओके ये इतना ही है ये, एंड यहां पे मैं ब्लॉकिंग कर दूंगा, ठीक है। सो इंसर्ट एज एक अभी ये पोर्शन, ठीक है। उसके लिए इससे ये जो यहाँ पे किया हुआ उससे भी एक शूट कर सकते हैं और उसके बाहर वाले पार्ट से भी, ठीक है। तो अगर इसे एक शूट करेंगे तो ब्लॉकिंग का टेंशन है। सो मैं फिर से अलग से सेंडर लूंगा, बीस को बारह, एक्सट्रूड रोटेट करो इसे, और नीचे लेकर देन एक्सट्रूड सामने की तरफ, रोटेशन ऐसा, और स्केल से ये एक शेप में, ठीक है। टू फेस और डिलीट, ठीक है। बिकॉज अंदर ब्लैक दिखना चाहिए, इसके लिए हम मैं उसको ये दूंगा ही नहीं, ठीक है, ब्लॉकिंग। बट बिकॉज इसका शेप प्रॉपर आना चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो फेस
ये हो गया, फिर यहाँ पे जो ये पोर्शन लगा है ये, ठीक है, तो एक बॉक्स ले लेते हैं, ये इसका साइड मिरर है, ठीक है, साइड मिरर पे ये चीजें जॉइंट है। ओके, इतना बनाने के बाद एडिट डिलीट और बाय टाइप हिस्ट्री, ट्वेल्व पे कर दो, ये हो गया। उसके बाद फिर एक बार सेव हो जाता है दिन, फाइल सेव सीन एज, 13 पे भी यस, इतना एरिया सेलेक्ट किया मैंने, पहले तो ये इतना वाइड नहीं होगा, इसको इतना करो थोड़ा और ये, ओके, फेस एक्सट्रूड स्केल इंसर्टेज, एक लाइन यहाँ पे, ओके, सो ये हो गया इसकी शेप में। नाउ इसका एक ब्लॉकिंग कर देते हैं,
यहाँ पे मुझे एक और सिलेंडर लेने की जरूरत है, बट उसके लिए मैं ये लूंगा, कंट्रोल डी बाजू में लिया, कम टू फेस, इतना डिलीट कर दिया, यहाँ पे लेकर आया, रोटेट किया ऐसा सामने की तरफ, -90 की ओर ले गया, थोड़ा सा इमेज ये टिल्टेड है 3/4 में, ठीक है, ऐसा एज वन डबल क्लिक एक्सट्रूड, एक्सट्रूड तो सेंटर, ये देन ओके यहाँ पे एक हैंडल है और ये सेम डिजाइन इधर है स्टिचेड वर्जन में, ठीक है, मतलब कि जरा बाकी को ऑन करें, यस पहले इस जगह पे प्लेस भी कर देते हैं बाकी इन ऑब्जेक्ट्स को, तो बनाने के लिए और भी इजी हो जाएगा। देन एडिट डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री कंट्रोल एस मॉडिफाई सेंटर पिवोट, अपने मॉडल के हिसाब से ये चीजें जाएंगी इस जगह पे। और ये कंट्रोल जी मॉडिफाई सेंटर पिवोट ग्रुप कर दिया, सो मुझे ये करने में आसानी होगा जो मैंने अभी किया है, -90, ठीक है, एज आई सेड कि अपना जो रेफरेंस है वो 3/4 में है, ठीक है,
सो अभी ये यहाँ पे गया और अब और ये बहुत ही बाहर आएगा, कहाँ गया, ग्रुप वन सेलेक्ट किया, ये क्यों छूट गया, छूट गया, डुप्लीकेट हो गया। ओके, सेंटर पोर्शन में ये ग्रुप हो गया, उसमें चला गया है, सिर्फ इसको पकड़ना है जो कि है ये, वापस इसमें हो गया। ओके ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे एक वायर है जो इसमें ऐड होगा, ठीक है, और नीचे यहाँ पे फायर ये पोर्शन लगेगा, तो एक छोटा सा जो वायर है वो कर लेते हैं। वायर बिकॉज काफी छोटा है तो उसको हम लोग सिलेंडर से बना सकते हैं, ठीक है, एक सिलेंडर लिया। यहाँ पे 20 को कर दो, 12 नहीं तुम 6 करो, वर्टेक्स टू फेस डिलीट, ये हेक्सागोन आएगा, ठीक है, तो हेक्सागोन में जब आप 3 पेस करोगे तो भी वो राउंड ही होने वाला है, ठीक है। इसके पीछे गया है। ओके, कंट्रोल डी, और ये इसके अंदर से आएगा, ठीक है। और जब इसके अंदर से ही आएगा तो एक ईपी कर्व ही बना लेते हैं, ठीक है, इसको सेलेक्ट करो, ये डायरेक्शन है, इसमें आओ, ये कर्व लो, मॉडिफाई सेंटर पिवट, यहाँ पे
अभी वर्टेक्स, बिकॉज ये वायर थोड़ा आई गेस हाँ मोटा वाइड, ठीक है। सो कन्वर्ट टू फेस ये लाइन और पॉलीगन एक्सट्रूड। एंड डब्ल्यू, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा वाइड हो गया, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो इसका फेस है ना उसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा। तो फेस ये, ठीक है, फिर ये लाइन एक्सट्रूड W, कंट्रोल डी बाहर किया और कर्व को डिलीट किया और इस ऑब्जेक्ट को भी, और इसमें करूंगा ब्लॉकिंग, ठीक टू फेस डिलीट, बिकॉज मोस्ट ऑफ पार्ट बन चुका है, ट्रक बन गया, उसका एक बेसिक शेप भी बन गया, ठीक है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं छोटा छोटा डिटेल है इसको छोड़ नहीं सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको तो रेफरेंस में है, हाइड की जरा, एंड वर्टेक्स इतना सेलेक्ट किए, प्रेस किया बी, एरिया थोड़ा इतना किया, इसको ऑन किया और इसे थोड़ा इसे बाहर निकाला यहाँ पे, ठीक है, और एंड बी ऑफ कर दिया। ये कंट्रोल डी, ओके। तो अभी फॉर एग्जांपल ये वायर का हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा दूसरे ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं ये, ओ ये फ्रंट है लेफ्ट है, ओके। तो हम लोग जो सीख रहे हैं, शायद मैंने उल्टा कर दिया, लेफ्ट व्यू फ्रंट है लेफ्ट है, ओके, मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो राइट व्यू था, तभी मैं सोचू कि उल्टा कैसे हुआ। ओके अभी तक आई होप कि किसी को ये सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने में प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है। बिकॉज इस वीडियोस के थ्रू हम लोग ये सीख रहे हैं कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाते कैसे हैं, ठीक है। ऐसा कंट्रोल डी, मॉडिफाई सेंटर पिवोट,
डी ऊपर किया एंड यस Control D. और रिमेम्बर दिस थिंग कि जो भी सेंटर पोर्शन में जा रहा है ये ठीक है उसका इसमें जो पोर्शन है मतलब ये जो ग्रुप है ग्रुप वन इसका मैं नाम ही रख देता हूँ मिरर MIR मिरर ठीक है तो मिरर वाले ग्रुप में ये ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि हमें इसमें से उठाकर इसमें डालना पड़ेगा ऐसा ठीक है ताकि हम लोग इसको फ्लिप कर सके उधर ओके मॉडिफाई सेंटर की वो एक बार ये पोर्शन जरा कर देते हैं यहाँ पर ये पोर्शन ठीक है इंसर्ट इज ओ भाई इसको तो ओके इस पे कहाँ गया अच्छा हाँ ये ऐसे है ना तो मैं क्या करूँगा इंसर्ट इज मैं ये किस में लॉक है ओके इसमें है तो एक काम करते हैं इजीएस्ट वे जिसे कहते हैं ना वो है ये ठीक है तो ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो देखो इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं बट मैं सोच रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ है ये है ना एक प्लेन लिया -90 ये मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे रखा है ओह शिट बाहर करो ये फेस एक्सट्रूड
ठीक है। फेस एक्सोड ये ठीक है, और इसको कर देना है ब्लॉकिंग। तो जो इसका ब्लॉकआउट है ये रहा, ठीक है। एंड जो सबसे लास्ट वाला एज होगा ना ये, हाँ इस वन एक्सट्रूड कर दो थोड़ा और ऐसा, ठीक है ये इधर का भी हो गया। अभी बैक टू इमेज, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे है, ओके सारी चीजें सही है। ओके अगेन यहाँ पे वाइपर है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक जो एक अलार्म जैसा जो होता है जो पुराने गाड़ियों में होता है वो, और यहाँ पे एग्जॉस्ट मतलब बाहर से हवा अंदर जाने का ये, ठीक है। तो पहले तो जो ये है ना मेरे, इस पे थोड़ा रिवर्क और कर लेते हैं, बिकॉज जो ये पोर्शन है ये थोड़ा सा ऐसे बाहर आएगा, नहीं थोड़ा पीछे रखो मतलब इसके टच में। उसके बाद फ्रंट से मॉडिफाई सेंटर पिवट, डी होल्ड किया यहाँ पे रखा, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल और इंस्टेंस में है माइनस, इस पे अप्लाई वो नीचे कॉपी हो गया तो डिलीट किया और फिर से सेलेक्ट किया एंड इस माइनस को डिलीट किया एंड इस एक्सिस पे माइनस देन अप्लाई, फिर भी डिलीट किया ये भी माइनस डिलीट, फिर यहाँ पे माइनस एंड मिरर को सेलेक्ट किया अप्लाई, परफेक्ट कॉपी हुआ। इधर आ जाओ अभी। हाँ तो मैं क्या बनाने वाला था, ओके एग्जॉस्ट के लिए सिलेंडर लो यहाँ से, ठीक है ऊपर लेकर आओ, और इस जगह पे मैं सिलेंडर को दो कॉपी करके रखूंगा, ठीक है। बिकॉज मेरे को वो जो जो नॉर्मली जो ये गाड़ी होता है ना पुलिस वाली गाड़ी, उस पर जो लाइट होता है या एम्बुलेंस वाली जो लाइट होता है, तो अगर तुम रेफरेंस में देखो तो यहाँ पे एक वैसा है और यहाँ पे एग्जॉस्ट है, तो इसके लिए मैं एक सिलेंडर और कॉपी करके रख रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी एंड ये इधर, इसको मैं फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ और इस पर काम करता हूँ। ओके
20 को 12 इसे साइड करो, डिलीट, कंट्रोल डी, 12 12 के मैंने दो कॉपी किए हैं। तीन वर्टेक्स स्केल स्केल, ये चार स्केल और ये चार स्केल, ठीक है, ये टू फेस एंड ये नीचे, एक्सट्रूड और ये एक्सट्रूड करने से ज्यादा बेटर है कि इसको इतना लेवल तक रखो एंड इस व्यू से कर्व लो, कंट्रोल वर्टेक्स, मॉडिफाई सेंटर पिवट, फेस शिफ्ट के साथ ये पॉलीमिस एक्सट्रूड एंड डिवीजन बढ़ाया, और इतना नहीं मिनिमम करना होता है, ठीक है, डब्ल्यू एंड ये डिलीट ये पॉइंट। एंड देखो ये मैंने पहले ही बताया, फिर से बता दे रहा हूं, जैसे जिस लाइन से आप सेलेक्ट करते हो, जिस कर्व से आप उसको बनाते हो, अगर वो कर्व डिलीट किया तो शेप डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए पूरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल डी करो, ये उसके बाद अब अगर आप लाइन को डिलीट भी करते हो तो भी जो बचेगा उसे भी हटा दो, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि फिर ज्योमेट्री कॉपी हो जाता है, ठीक है। एडिट, डिलीट टूल बार टाइप, हिस्ट्री, एज, डबल क्लिक, ओके ये यहां तक हो गया। देन ये इस लेवल पे वर्टेक्स टू फेस एंड डिलीट, ठीक है,
तो ये थोड़ा वाइड है, मतलब इस पे आते हैं। पहले तो पूरे को ही ऐसा करते हैं, ये फील है अगर इमेज को देखो तो हम भी वही करेंगे हम लोग। ये हो गया। ब्रिज एंड इसके बीच में एक इंसर्टेज कम टू वर्टेक्स एंड यूज टारगेट वेल टू वेल दिस टू वर्टेक्स। ठीक है, ये और टू वर्टेक्स टू फेस एंड एक्सट्रूड। ये और इसका यहीं पे कर दो ब्लॉक इसी जगह पे। सो देखो कोई एक फेस यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है जिसकी वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस बना है इस जगह पे। बट फिलहाल के लिए मैं इसको
ओके, इसमें ब्लॉकिंग नहीं है बिकॉज रेफरेंस के हिसाब से ये साइड का कॉर्नर ना थोड़ा गोल है, मतलब अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये कैसा गोल हो रहा है, ये वाला, ठीक है। सो डिलीट, ओके अब आते हैं इसके बाजू में जो अलार्म जैसा है, जिसको नॉर्मली हम लोग सायरन बोलते हैं। एक्सट्रूड, फेस, वर्टेक्स टू फेस, टू वर्टेक्स टू फेस एंड डिलीट, ठीक है, एंड कंट्रोल डी, ठीक है, थोड़ा आगे करो और इस वाले को पहले तो ब्लॉक कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाले पे आते हैं, फेस 2 3 4, ये जो सिलेक्टेड है ना, अभी मैं इसको एक्सट्रूड करेगा यू बाहर की तरफ, बट सेम लेवल पे आएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा उसको अंदर लिया, वर्टेक्स मोड में स्केल 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 स्केल, फेस डिलीट, डिलीट, ठीक है। और ये बीच वाला को डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, बट डिलीट करने के पहले मतलब यहाँ पे इसको ब्लॉक कर लेंगे, बाद में डिलीट कर देंगे बिकॉज डिलीट करने के बाद ब्लॉकिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वैसे डिलीट कर ही देते हैं बिकॉज दोनों टाइम मेहनत इक्वल ही है तो फर्क नहीं पड़ता है। अभी इंसर्टेज एक, दो, ठीक है, ओके, इस पे भी ब्लॉकिंग चाहिए, ओके, इंटीरियर का भी।
डब्ल्यू थ्री, ओ इसका यहाँ पे छूट गया, W3। अभी इसको इसके बाजू वाले के ऊपर लेकर जाओ जरा, अभी ना इसको थोड़ा ऊपर लेकर आओ, वर्टेक्स फेस टू वर्टेक्स टू फेस, डिलीट एज सबसे ऊपर का वन, एक्सट्रूड ये, इसको ये इधर पे ही एक ब्लॉक कर दिया और फिर इसको यहां पर रख दिया। दोनों को मेश कंबाइन मॉडिफाई सेंटर पिवट एडिट डिलीट बट टाइप हिस्ट्री कंट्रोल एस, ओके एंड इसको उसके बाजू में बिठा देने का, मॉडिफाई सेंटर पिवट ओके okay, अभी रेफरेंस पे जाते हैं एंड अभी थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ना माइनर डिटेल इतना है ना इस मॉडल पे कि देखो ये सेम डिजाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ओके okay, बट फिलहाल हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है। तो ओके okay. सबको सेलेक्ट किया, एडिट डिलीट पर टाइप हिस्ट्री, ओके okay. अभी आते हैं इस ऑब्जेक्ट पे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिलेंडर लिया और इसे 12 20 सब डिवीजन जो है उसे 12 कर दो एंड एक्सट्रूड
ओ नेक्स्ट डे आ गया। व्हाट इज टू फेस एक सू कंट्रोल बी सेगमेंट बढ़ाया और फ्रैक्शन डब्ल्यू ओके सो थोड़ा साइड करो इसे एंड यहां से ये पिक करो थोड़ा टॉप ले जाओ एंड रोटेट करो सामने की तरफ ये सब डिवीजन इसका भी 20 से 12 कर दो और ये mesh combine edit delete drawbar type history modify center pivot control d control okay I guess teeny hai na image mein okay teeny hai और इसका एक ये ले लो प्लेन सामने की तरफ रोटेट करेंगे
FIRE मैंने नॉर्मल फायर एक्स लिख दिया, मॉडिफाई सेंटर पिवोट पीछे लेकर गया यहाँ पे, ओके तो और इसे भी इसी लेयर में डाल दो, ओके और इसे पकड़ा मॉडिफाई सेंटर पिवोट एंड देन कहाँ गया, डी होल्ड किया और इसे सेंटर पे लेकर आया, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल अप्लाई शायद ये नहीं गया है, हाँ डिलीट फिर से एडिट डुप्लीकेट स्पेशल अगेन डिलीट फिर सेलेक्ट अभी फटाफट आते हैं इसके सॉकर वाले पोर्शन पे, ठीक है इधर जरा आ जाओ, पहले मैं सॉकर देख लूँ। ओके ये तो एक सिलेंडर हम लोग लेते हैं और इसको 12 कर दिया, इंसर्ट एज एक और दो, फेस एक्सट्रूड
वो ज्यादा नीचे जा रहा है इसके लिए, देखो वो नीचे नहीं है, भी भी भी। ओके ओके अच्छा ऊपर एक ही हुआ है। ओके इंसर्ट इज इंसर्ट इज एक दो इस जगह पे इंसर्टेज में एक यहाँ पे लाइन दो और एक यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे नहीं, बिकॉज अभी क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा और नजदीक ले कर आओ इतना, देन ठीक है एक्सट्रूड। इतना पे एंड इस जगह पे ब्लॉकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो पूरा शेप खराब हो जाएगा। एडिट डिलीट के ऊपर टाइप हिस्ट्री, अगेन मैं यहां पे ये ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। यहाँ पे रेडियस थोड़ा कम, ये ठीक कंट्रोल डी वन कंट्रोल एस मॉडिफाई सॉरी मेश कंबाइन मॉडिफाई सेंटर पिवट। ओके
ये जब ये हो जाता है देन उसके बाद हमें चाहिए, फिलहाल तो मैं कंट्रोल डी किया, साइड लिया और फेस डिलीट। अभी इसको यहाँ पे लेकर आओ, सेंटर में हो गया। अभी इस पे वर्क करेंगे, एक्सट्रूड डिलीट, एज डबल क्लिक, डबल क्लिक, एक्सट्रूड। एक दो मेश कंबाइन, एडिट डिजिटल पर टाइप हिस्ट्री, ठीक है ये हो गया। अभी इसके साथ ही यहाँ पे एक बॉक्स का ऑप्शन बनाना है, वो है आप नॉर्मल बॉक्स ले लो, बिकॉज अभी जो बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ उसके लिए कोई डिटेलिंग चाहिए नहीं, ठीक है तो इसको यहाँ पे रखते हैं। ये फेस डिलीट, उसके बाद एज पूरे को सेलेक्ट किया, पूरे को कंट्रोल बी, फ्रैक्शन कम किया, एक्चुअली कहाँ गया भाई, फ्रैक्शन थोड़ा ही होना चाहिए, बस सेगमेंट ऐड करता हूँ, दैट्स इट। One insert is अभी इसी बॉक्स को यूज करना है, कंट्रोल डी नीचे की तरफ लेकर आओ, -1 0।
सेलेक्ट किया मेश, कंबाइन, मॉडिफाई, सेंटर कीबोर्ड, एडिट, इंडिविजुअल पर टाइप, हिस्ट्री एंड कंट्रोल एस। ओके, अभी मैं जरा बैक और ये ऑन कर दूं। और व्हील में कहाँ पे है ये? ओके, इसके नीचे से मिडिल वाले व्हील के पास आया। तो अगर हम लोग इसे यहाँ पे लेकर आते हैं, थोड़ा सा इधर, वर्टेक्स, दूसरे वाले व्हील के बीच में, मतलब यहाँ है, डी होल्ड करके पिवट पॉइंट में यहाँ पे लेकर आया। सो मैं इसको यहाँ से ऐसे रोटेट कर सकूँ, ठीक है। ये यहाँ पे है तो इसको थोड़ा और छोटा करना है। वर्टेक्स में आते हैं, इस पोजीशन से इसको और नीचे लेकर आते हैं यहाँ पे। अब इसको फिर से रोटेट करके देखते हैं। ओके, अब जाकर फाइनली मैच हो गया ये। इस जगह पे होगा इतना डिस्टेंस पे, ठीक है, बिकॉज वहाँ ऑलरेडी मैंने बना कर रखा हुआ इसको ऐड करने का पोर्शन, तो उसको सिर्फ इस पे ऐड करना है। एंड जो यहाँ से ही आएगा और इसमें ऐड होगा। एक बॉक्स ले रहा हूँ, कहाँ गया ये रहा बॉक्स। वर्टेक्स इस जगह से, ओके,
एक सेकेंड, डिलीट एंड इसको मेरे को अनलॉक करना पड़ेगा या फिर उसी बॉक्स को यूज करना पड़ेगा या फिर यहाँ पे भी बॉक्स है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ओके तो मैं ये किस पार्ट में है? ओके इसमें है, ये वाले बॉक्स को कंट्रोल डी, ओके हाँ तो इस चीज के लिए ये कहाँ गया, मैंने डिलीट कर दिया क्या वो? ओके सिर्फ इतना ही यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो या तो इस शेप को यूज कर लो या तो नया, तो दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये चीजें मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि बेसिक मॉडल बनाने में उतना मेहनत नहीं होता है जितना कि उसका ये जो आप डिटेलिंग देने जाते हो उतना उसमें जितना मेहनत होता है, ठीक है। फेस एक्सट्रूड, ओके इंसर्ट एज, सस्पेंशन को अनलॉक किया, ओ ये
ओके दो है और दोनों ओके उसी जगह पे आगे पीछे करके। ठीक कंट्रोल डी और एक आगे, तो पहला एक प्रॉपर प्लेस करते हैं, उसके बाद दूसरा आगे पीछे मूव करेंगे। स्टेयर इसके बाहर है, डॉगी क्लिक, डबल क्लिक वन ये उसके अंदर। जीरो जीरो ओके इंसर्ट इज ओके सो इन शॉर्ट मुझे ये इतना बार करना पड़ेगा। ओके एंड ये जरा मैं व्हील को ऑन करूँ। ओके तो मुझे ये आगे भी करना होगा, मतलब यहाँ पे और थोड़ा सा ये इतना पे जाएगा। इसके अंदर दूसरा भी जा सके। ओके डिलीट एंड डिलीट बिकॉज ये ऑटोमेटिक बैठ रहा है उस पे जो हमने बॉक्स ला कर उसको एंड किया है। वन एक सेकेंड कंट्रोल ए और चैनल बॉक्स खुल गया। एडिट डिजिटल टाइप हिस्ट्री ओके कंट्रोल डी और इसकी हाइट और कम करनी पड़ेगी सो ये उसके अंदर बैठ जाए।
ये और दो शॉकर, कंट्रोल जी, एस ओ सी सी ई आर, मैंने जस्ट एक रैंडम नाम दे दिया है ग्रुप का, मॉडिफाई सेंटर वीवो, एडिट डिलीट और टाइप हिस्ट्री, ठीक है ओके। ये होने के बाद इसको थोड़ा मैं और मैनेज करूंगा इतने अंदर, और साइज में मॉडिफाई सेंटर पिवट, डी होल्ड किया एंड सेंटर लाइन, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, अप्लाई क्लोज। अनफॉर्चुनेट ये लास्ट वाले पिवट पॉइंट से जगह पे ले लिया। कौन करते हैं तो अब अगर मॉडल को देखो ना गौर से, ठीक है, तो एडिट डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री, यहाँ पे ये पोर्शन ऐड किया, ठीक है, ये बना एंड शॉकर बना, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट एक पोर्शन बचा है, वो है ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ना, बट इसमें बहुत मैसिव डिटेल है, ठीक है ना। तो इसके लिए पूरा एक लेक्चर सिर्फ इस पे जाएगा ऐसा। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये नीचे वाला पोर्शन एन ए सिलेंडर एंड होप सो कि नेक्स्ट विल बी लास्ट, ठीक है ये।